मैं अंदर आ सकता हूँ? मनो, आज भी मेरे केबिन में आने के लिए तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। बैठो, बोलो क्या बात है। सतीश, वो मैंने कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था, उसमें एक कंपनी है अग्रवाल एंड कंपनी, उसने एक शॉर्ट डील ऑफर की है 500 शॉर्ट कुर्तीज के, तो मैं उस पर काम कर रहा हूं। कॉन्ग्रेट्स। नहीं सतीश, वो तुमने कहा था ना कि लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, वो लोग मुझसे लाइसेंस मांग रहे। हाँ तो हक से मांगो, उसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है। नहीं, वो उस दिन जो भी हुआ उससे, मनो उस दिन जो भी हुआ उसके बारे में मैं कुछ भी बात करना नहीं चाहता। मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स नहीं करता। मैंने जो तुमसे कमिटमेंट की थी उसका उससे कोई वास्ता नहीं है। मिस्टर सावन के पास मेरा लाइसेंस पड़ा हुआ है, उसकी फोटोकॉपी ले लो, अटेस्ट करवाओ, और हाँ उसकी कुछ और कॉपीज करवा लेना, आगे काम आएंगे। थैंक्स सतीश। नमस्कार, आइए ना। नमस्ते। वैशु, ए वैशु। कौन सा नया नाटक करने आए हो यहाँ पे? नहीं वैशाली, नाटक नहीं मैं। तो फिर क्यों आए हो? तुम्हें क्या लगा मैंने मंदिर में तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर ली, तुम्हारी अच्छे से बात सुन ली, इसका मतलब ये कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया? किस हक से तुम यहाँ पे आए हो? तुम्हें क्या लग रहा है सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हम सब तुम्हारी बात मान लेंगे? तो प्लीज, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आज भी थोड़ी सी भी शर्म बची है ना तुम्हें, तो प्लीज चले जाओ यहां से। वैशु, ऐसा नहीं कहते बेटे, घर आए हुए लोगों के साथ इस तरह से बात करते हैं क्या? क्या यही संस्कार है हमारे घर के? आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना प्लीज। धर्मेश आओ बेटा, बैठो, आइए। मंजू, इनके लिए पानी लेकर आऊं। देखिए, वैशु की बात का बुरा मत मानिए, गुस्से में वो कुछ ज्यादा ही कहेगी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूं। वैसे एक बात बताइए, आप लोगों का यहां कैसे आना हुआ? थैंक यू बाबा। एक्चुअली कुछ दिनों से वैशाली मुझसे अलग रह रही है, अब बहुत खुश है, उसने अकेले जिंदगी जीने का रास्ता ढूंढ लिया है, इसलिए मैं उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहता। इसलिए ये पेपर्स। मतलब क्या है इन पेपर्स में? आइए, मेरे और वैशाली के डिवोर्स पेपर्स हैं। मैंने ऑलरेडी इन पर साइन कर दिया है, बस वैशाली के साइन करने की देर, उसके बाद इसे मुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। डिवोर्स चाहती है ना? लीजिए,
मैं भी तैयार हूँ डिवोर्स देने के लिए। और हाँ, डिवोर्स देने के बाद मेरी वैशाली के और मेरे बच्चे के प्रति जो जिम्मेदारी है वो ख़त्म नहीं हो जाती, इसलिए मैं कुछ मेरी प्रॉपर्टीज़ और इन्वेस्टमेंट्स के पेपर्स भी लाया हूँ जो मैंने ऑलरेडी वैशाली के नाम कर दिए। मैं नहीं चाहता कि सबके लिए हम लोग कोर्ट में जाएं, खामखा हम सबका वक्त ज़ाया होगा, आप लोगों को तकलीफ होगी, इसलिए मैंने ये सब पहले से करके रखा है। तुमने मेरे और मेरे बच्चे के नाम तो ये सब कुछ कर दिया, अब माधुरी का क्या? उसके लिए कुछ नहीं। शाली, मैं माधुरी के लिए कुछ करना चाहता था, जैसे ही मैंने उसे डिवोर्स दिया वो पता नहीं कहाँ चली गई। क्या कहा तुमने? तुमने उसे डिवोर्स दे दिया इतनी जल्दी? तुमने हम में से किसी को ये बात बताई भी नहीं। मैंने तुम्हें बताया तो था वैशाली, और रहा सवाल जल्दी का, तो हम दोनों ने पहले से ही कोर्ट में अप्लाई किया हुआ था, और जब पति पत्नी दोनों राजी हों तो कोर्ट भी ज्यादा वक्त नहीं लेता, बस दोनों के सिग्नेचर हुए और डिवोर्स हो गया। पेपर्स। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। आज तक आप लोगों को बहुत तकलीफ दी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वैशाली, मैं नहीं जानता जिंदगी में कभी तुम मुझे माफ करोगी या नहीं, लेकिन हाँ, अपने दिल में मेरे लिए कड़वाहट मत रखना, और हमेशा खुश रहना, हमारे बच्चे की खुशियों का भी ख्याल रखना। कभी कभी मैं अगर हमारे बच्चे से मिलने आऊँ तो प्लीज़ मुझे रोकना मत, मैं उसे दूर से देखकर ही चला जाऊँगा। चलो माँ। तुम चलो, मैं आती हूं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, बस एक विनती करना चाहती हूँ। धर्मेश जब से दुबई से वापस आया है ना, बहुत बदल गया है। माँ हूं मैं उसकी, मैंने उसके उस बदलाव को महसूस किया है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस बदलाव को महसूस करें। आप जो भी फैसला करें बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि इस फैसले के साथ बहुत सारी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। अच्छा चलो, मैं खाना लेके आया हूँ, जल्दी 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 आओ और बैठ के खाओ। चलो, क्या बात है, आप इतना खुश क्यों दिख रहे हैं? मैं इतना खुश इसलिए हूँ क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम्स दूर होने वाले और तुम्हारे जिंदगी में सिर्फ खुशी आने वाली। मानो वो तो अभी भी है, लेकिन बताइए ना क्या बात है, आप इतने खुश क्यों हैं? मैंने जो 500 कुर्तियों का ऑर्डर दिया था ना, वो तैयार हो गया है, मैंने बेच दिया और कल तक क्लाइंट को भी मिल जाएगा, और फिर बहुत सारे पैसे आएंगे, और फिर मैं तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। वो तो अब अभी कर रहे हैं मानव, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है। सिर्फ मेरी मेहनत से कुछ नहीं होता, अगर तुम्हारा साथ नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर पाता। बस कभी कभी अपनी किस्मत से डर लगता है मानव। हाँ अर्चना, अब तो मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं रहा। ऐसा मत कहिए मानव, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा,
इस बार अगर हमारी किस्मत बदलेगी तो हमारी अच्छाई के लिए। और आपको पता है, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो बहुत मेहनती होते हैं, जो बहुत सच्चाई से मेहनत करते हैं। और अगर आप इतनी मेहनत करते हैं ना, तो आपकी किस्मत कभी आपका साथ छोड़ेगी ही नहीं। और फिर किस्मत साथ दे ना दे, मुझे इतना पता है अगर आप मेरे साथ है तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। बस बस, इतनी तारीफ की मुझे आदत नहीं है, और ना ही तारीफ से तुम्हारा पेट भरेगा ना ही मेरा। और मेरा होने वाला बच्चा बोलेगा कि वाह, मेरा बाबा सिर्फ मेरी आई के बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में सोचते ही नहीं। बोलेगा क्यों? बोलेगी भी तो हो सकती है ना। चलो, ऐसे क्या देख रहे हो? मानो, मैं बस ये सोच रही थी कि ये जो इतने अच्छे अच्छे पल है ना, इन्हें हमेशा के लिए अपने पास रख लेती, कभी इन्हें अपने आप से दूर जाने ही नहीं देती, और अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं में ही गुजार देती। मानो पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे इसी तरह खाना खिलाते रहे और मैं इसी तरह आपको देखती रहूं। ऐसा ही होगा। शिवू, जा जाके दो कप चाय लेके आ। तब तक मैं एक काम करता हूँ, कंपनी में फोन करता हूँ। हाँ। और उनसे पूछता हूँ कि जो माल भेजा था उनके पास वो पहुंचा कि नहीं, और फिर पैसे की भी तो बात करनी है। चाय ले लेके। हेलो। हाँ सर, मैं मानव बोल रहा हूँ, मानव देशमुख। सर मैं बस आपसे ये पूछना चाहता था कि जो माल मैंने भेजा है वो 500 कुर्तीज, वो अब तक पहुँचा कि नहीं, और आपको कैसा लगा सर? डिलीवरी तो हमें मिल गई है मिस्टर मानव, लेकिन उसमें से क्वालिटी कम, आपकी मक्कारी ज्यादा झलकती है। धोखा दिया आपने हमें। सर सर मैं कुछ समझा नहीं, क्या? आप हमारा डिमांड लेटर ध्यान से पढ़िए मिस्टर मानव। जिस क्वालिटी के फैब्रिक की बात हुई थी, वो क्वालिटी के फैब्रिक तो आपने भेजी नहीं, बल्कि एकदम घटिया और हल्के दर्जे का कपड़ा भेजा है आपने हमें। मुनाफा कमाया, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुनाफा कमाने के लिए आप हमें घटिया माल भेजें, ये हमें मंजूर नहीं है। नहीं सर, कुछ गलतफहमी हुई है सर। मैंने अपनी आँखों से माल चेक करके भेजा आपको सर। अरे छोड़ो, मैं तुम जैसों की नीयत और करतूत अच्छी तरह से जानता हूँ। बिजनेस करने की औकात तो है नहीं, और आ जाते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया है, उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। जब पैसे के लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। नहीं सर, ऐसा मत करेगा सर। सर प्लीज ऐसा मत करेगा। मैं आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर, मैं एक बार मैं बात करता हूँ, कुछ गड़बड़ हुई है सर, मैं आपको वापस माल भिजवाता हूँ सर। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम जैसे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ काम ही नहीं करना चाहता सर। हेलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी। हाँ बोलो। मैं मतलब मानव आजकल कहाँ रहता है? ये तुझे मानव की याद आज अचानक कैसे आ गई? बस ऐसे ही। हाँ, ऐसे ही पूछ रही है कि खैर जाने दे, क्या करोगी सुनकर तू? अचार डालूंगी। जो पूछा है ना, उसका सीधा सीधा जवाब दो ना। हाँ, वो वहीं रहता है।
जहाँ पहले रहता था। वो वहाँ नहीं रहता है। अरे मैंने कहा ना, वो वहीं रह रहा है। मैं कह रही हूँ ना, वो वहाँ नहीं रह रहा है। अरे वहीं रह रहा है ना, अभी तुझे मालूम है या मुझे? बुढ़े का क्या करूँ मैं? मैं अभी जाकर आई वहाँ। मतलब जानबूझकर नहीं गई थी, मतलब मैं वहाँ से गुजर रही थी ना, तो जरा झांक कर आई। तू वहाँ नहीं रहता है, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है? तुझे कुछ पड़ी नहीं है ना? हाँ, तो फिर क्यों पूछ रही है बार बार? मानव कहाँ रहता है, मानव कहाँ रहता है? अब भूल गई क्या? हाँ, तुमने उसे बाहर निकाल दिया था घर से। हाँ, अभी पूछ रही है मानव कहाँ रहता है, मानव कहाँ रहता है? मुझे ये समझ में नहीं आता, तेरा प्रॉब्लम क्या है? हाँ? जब वो तेरे पास होता है तो उसको ठुकराती है, और जब पास नहीं होता है तब ढूंढती रहती है। तेरे जैसी माँ मैंने जिंदगी में नहीं देखी कभी। हट। और देखोगे भी नहीं। हाँ। मेरी गलती हो गई बाबा, मैंने गलती से पूछा मानव कहाँ रहता है। माफ करो मुझे, सीधी बात का सीधा जवाब देना कभी मालूम ही नहीं, छोटे बड़े ताने सुनाने के? नहीं तो वो नौटंकी के डायलॉग सुना के मुझे? मेरा भेजा गया अभी, बर्दाश्त नहीं कर सकती, तंग आ चुकी हूँ मैं। सुधर जा, मैं कहता हूँ अब भी सुधर जा। हाँ। मानव और अर्चना को अपने दिल से अपना ले, नहीं तो तेरे मानव को तू ढूंढती रह जाएगी। हाँ। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, जिस क्लाइंट को हमने माल भिजवाया था ना, वो पैसे देने से इनकार कर रहा है। वो कह रहा है कि हमने जिस क्वालिटी का माल भिजवाया था वो बहुत गंदा है, हमने तो खुद से चेक किया था ना यार, और मैंने उसको सारे पैसे दे दिए, अगर उसने पैसे नहीं दिया तो कहाँ जाएगी? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमने तो अच्छी क्वालिटी का माल भेजा था ना, फिर उनके पास में खराब क्वालिटी का माल कैसे पहुंच गया? आप मेरे साथ चलो। आओ। कहाँ? अरे वही जहाँ कुर्ती जी का ऑर्डर दिए थे, मुझे लगता है उसने कुछ झोल किया। आप आओ तो मेरे साथ आओ। हाँ सर। साला खोटा काम करता है, क्वालिटी का माल भेजने को कहा था और माल दूसरा भेज दिया। अरे देखता क्या है? ए छोड़ दूंगा पकड़ के। ए छोड़, क्या बकवास कर रहा तू? हाँ, ए तेरे बॉस ने खुद गोडाउन से माल चेक करके बाहर निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था भाई साहब आपने? हाँ बताओ आप। और हाँ, अपने बंदे को समझा दो कि आज के बाद मेरे पे हाथ नहीं डालेगा। और ये चल क्या रहा है? हाँ क्या नाटक है ये? दादा जिस क्लाइंट को हमने माल भिजवाया था वो कह रहा है कि वो माल गंदे क्वालिटी का है, और उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और पैसे भी नहीं दे रहा। ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, ये तुम लोगों की चाल है, तुम लोग मुझसे पैसा ऐंठना चाहते हो। मुझे मेरे बस पैसे चाहिए, 150 रुपए के हिसाब से 500 कुर्ते के 75,000 रुपए बनते हैं, 20,000 रुपए एडवांस आ चुका है, और बाकी का 55,000 बस मुझे अभी चाहिए, वरना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ क्या कर लेगा तू? अच्छा ए गनिया पकड़ जरा इसको, हाथ लगाने का। शिवो एक मिनट रुक, बात करने दे मुझे। देखिए भाई साहब, हम आप पे शक नहीं कर रहे, हम आपको कोई धोखा भी नहीं दे रहे। हमने माल चेक किया था, बीच में कुछ गड़बड़ हुई है भाई साहब। अब मुझे थोड़ा सा वक्त कीजिए, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। तो भाई साहब जी, मैं क्यों आपको धोखा दूंगा, मुझे भी काम करना है भाई साहब, मैं आपके 55,000 लेके कहाँ जाऊंगा? देख मैं तेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आने वाला नहीं हूँ, मैं आज शाम तक का टाइम तुझे दे रहा हूँ, वरना मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा, समझा के नहीं? मुझे वाकई में बहुत टेंशन हो रही है। आपके कहने पर मैंने खुद जाकर वैशाली को डिवोर्स पेपर्स और प्रॉपर्टी के पेपर्स दे तो दिए, लेकिन अगर उसने सचमुच उन पेपर्स पर साइन कर दिए तो? नहीं साइन करेगी धर्मेश, क्योंकि उसे साइन करना ही होता ना, तो वो उसी वक्त उन पेपर्स पर साइन करके तुम्हारे मुंह पर फेंक देती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसका तो ये मतलब है
कि तुम्हारी बातों का उसके दिल पर कुछ न कुछ असर तो जरूर हुआ है। तुम घबराओ मत धर्मेश, वो साइन नहीं करेगी। और वैसे भी अगर वो साइन कर देती तो क्या फर्क पड़ जाता? मतलब ये कि नकली डिवोर्स पेपर पर साइन करने से डिवोर्स नहीं हो जाता धर्मेश। आपको कैसे पता चला कि वो पेपर्स नकली हैं? धर्मेश, गिरगिट चाहे कितने ही रंग क्यों ना बदल ले, वो गिरगिट का गिरगिट ही रहता है। और तुम भी बिल्कुल उसी गिरगिट की तरह ही हो। तुम्हारे जैसा स्वार्थी आदमी त्याग करने का सिर्फ नाटक ही कर सकता है, त्याग नहीं कर सकता। ये बात कोई और समझे ना समझे, मैं अच्छी तरह समझ गई। और इस बात से तुम भी सबक ले लो, और आइंदा से मुझे बेवकूफ समझने की गलती भी मत करना। अरे मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि वैशाली उन पेपर्स पर साइन नहीं करेगी? समझ लो, मेरे सिक्स सेंस ने मुझे ये कहा। और धर्मेश, मेरा सिक्स सेंस कभी गलत नहीं होता। तुम्हारे नकली डिवोर्स पेपर्स की बात भी मेरे सिक्स सेंस ने ही मुझे बताई थी। आपके सिक्स सेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी हालत में ये बात वैशाली को नहीं पता चलनी चाहिए, वरना सबकी एक राय पे पानी फिर जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। बस मैं जितना कह रही हूँ ना तुमसे, तुम उसके मुताबिक चलते जाओ, एक दिन सब सही हो जाएगा। अब मैं घर चलती हूँ, और वैशाली जैसे ही कहीं जाने के लिए घर से बाहर निकलती है ना, मैं तुम्हें खबर करती हूँ। उसके बाद तुम्हें क्या करना है ये तुम अच्छी तरह जानते हो।